भस्मासुर पुराणों में कैद एक ऐसा किरदार जिसने महादेव को भी दंग कर दिया था, एक ऐसा राक्षस जिसने तपस्या करके शिव जी से वरदान मांगा कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। भोले शंकर ने वरदान तो दे दिया लेकिन भस्मासुर उसके बाद शिव को ही भस्म करने दौड़ पड़ा। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई कई भस्मासुर जिंदा उठे हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें पाला पोसा खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान की फौज ने, लेकिन अब वो खुद ही शरीफ की और पाकिस्तान की फौज की जड़ें खोदने में शुरू कर दिया उन्होंने प्रयास, और ये आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकता है। दहशत का आलम यह है कि एक ही दिन पाकिस्तान का एक शहर भयानक हमले से दहलता है, लाहौर, तो देश की राजधानी इस्लामाबाद उसी दिन संसद पर जुनूनी भीड़ का हमला देखकर थर्रा जाती है और शरीफ साहब, उनकी फौज, उनकी आईएसआई खामोशी से सिर्फ चश्मदीद बने रहने पर मजबूर है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान अंदर से बदल रहा है। अभी तक पाकिस्तान खासतौर पर उसकी फौज को जो सीधी सीधी थ्रेट थी वो थी लेकिन बहुत कम थी, लेकिन पेशावर के बाद से और अब तक बहुत सारा घटनाक्रम तेजी से बदला है। देखिए पाकिस्तान को भस्म करने की ताकत रखने वाले भस्मासुर जमात और अरहर पर हमारी खोजी रिपोर्ट। शरीफ के भस्मासुर जो ना जीते हैं ना जीने देते हैं, उन्हें वरदान मिला है खुद पाक सरकार की खुफिया एजेंसी आईएसआई का। उन्हें अक्सर नरमी मिलती है पाकिस्तान की फौज से। शरीफ के ये भस्मासुर ही हैं जिन्होंने अमेरिका जा रहे शरीफ की टांग खींचकर वापस देश में लापटका। ईसाइयों के त्योहार के दिन लाहौर के पार्क में खेलते बच्चों को निशाना बनाकर 70 लोगों को मारकर अपनी छाती ठोकी और जिम्मेदारी लेते हुए कहा, नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अब जंग उनके घर तक जा पहुंची है। इस जंग में जो जीतेगा खुदा कसम वही असली मुजाहिदीन होगा। जाहिर है जमात उर अहरार का ये ट्वीट पढ़कर शायद नवाज शरीफ की नस नस में आग दौड़ गई होगी। गुस्सा तो चढ़ा होगा लेकिन अपनी मजबूरी का अजब एहसास भी हुआ होगा। दरअसल पंजाब का ये शहर लाहौर नवाज शरीफ की पुरानी मोहब्बत रहा है, उसके खून का बहना, यानी नवाज शरीफ के अपने खून का बहना, यानी ये हमला शरीफ को सीधे दर्द दे गया। आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सीधे चैलेंज करने वाला जमात उल अहरार है कौन सा गुट? 2014 में ही जन्मी यह आतंकी तंजीम क्या पाकिस्तानी हुकूमत या आईएसआई का पाला हुआ ही सांप है या फिर बगदादी का शिष्य? हकीकत यह है कि इस खूनी गुट की रगों में भी तालिबान का जहरीला लहू दौड़ता है, क्योंकि 2014 में ये गुट तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से ही टूटकर अलग हुआ था। 2014 में पाकिस्तान के पेशावर के स्कूली बच्चों से खून की होली खेलने के पीछे भी यही जमात उल अहरार और उसका मुखिया उमर खालिद खुरासनी था। बहुत एंटी आर्मी, बहुत एंटी पाकिस्तान ये एक ग्रुप रहा है और अब इसने जो है कई जगह पहले भी जो ईसाइयों के ऊपर, ईसाई समुदाय के ऊपर हमले किए हैं। हैरत यह है कि लाहौर हमले में 70 लोग मारे गए जिनमें बच्चे और महिलाएं ज्यादा थी, फिर भी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जमात उल अहरार के खिलाफ किसी भी अभियान का कोई ऐलान नहीं किया। रस्म अदायगी की, ये कहा कि हम माफ नहीं करेंगे लेकिन ये बताना जरूरी नहीं समझा कि आखिर कैसे। मैं आज आपके सामने उस अहद की तजदीद के लिए हाजिर हुआ हूं कि हम अपने शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब रख रहे हैं। ये हिसाब चुकाया जा रहा है। हैरत यहां यह भी है कि जिस दिन लाहौर के पार्क को आतंकवादियों ने खून से रंग दिया था उसी दिन इस्लामाबाद की सड़कों पर पाकिस्तानी संसद से सटे रेड जोन को लांग रहे थे 30,000 जुनूनी पाकिस्तानी और यहां भी सरकार सिर्फ तमाशा ही देख रही थी। ये वो भीड़ थी जो पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर के हत्यारे पुलिस के कमांडो मुमताज कादरी को फांसी देने का विरोध कर रही थी। इस भीड़ को पाकिस्तान में किसी भी तरह
ईस्ट निंदा कानून पर सवाल उठाने वाले बर्दाश्त नहीं है। जल्द ही ये भीड़ रेड जोन में घुस गई और फिर वहां जमकर तोड़फोड़ मचाने लगी। लिबरलिज्म के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निकले हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस पर पहरा देंगे और जब तक हुकूमत संजीदगी के साथ इस तरफ तवज्जो नहीं करती उस वक्त तक इंशाल्लाह हम यहीं पर बैठे हुए हैं। शरीफ के भस्मासुर पाकिस्तान के दो शहरों में एक साथ आतंक मचाए हुए थे। एक और लाहौर में मानव बम ने धमाका कर 70 से ज्यादा की जान ले ली थी। दूसरी तरफ एक जुनूनी मजहबी कट्टरपंथी कातिल के समर्थकों ने इस्लामाबाद में संसद पर करीब करीब हमला बोल दिया था। दोनों ही हालात में शरीफ सरकार बेबस नजर आई और फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर लगने लगे नारे और आसमान में उड़ते फौज के हेलीकॉप्टर पर जूते उछलने लगे। हाथ में कातिल मुमताज कादरी की तस्वीरें थी जिस पर लिखा था कि कादरी को शहीद का दर्जा दो। इस बार जब 30,000 ही लाए तो पाकिस्तान की फौज को बुला लिया गया इसको कंट्रोल करने के लिए, तो इसके पीछे तो कोई बड़ी साजिश लगती है। कादरी शहीद है ये नारे लगा रही जुनूनी पाकिस्तानी भीड़ ये मांग भी कर रही थी कि पाकिस्तान में शरिया या इस्लामिक कानून लागू हो। इस प्रदर्शन के पीछे सुन्नी तहरीक गुट है। हैरत यह है कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग लाहौर में भयानक हमला करने वाला जमातुर अहरार ही करता है। यह आतंकवादी संगठन भी सुन्नी गुट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीफ के ये भस्मासुर आतंकवादी या कट्टरवादी पर्दे के पीछे दरअसल एक ही हैं। दिल्ली से पायल भोयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। अब जो जानकारी हम दे रहे हैं वो भी जरा ध्यान से सुनिएगा। सोचिए पाकिस्तान की किस कदर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थू-थू होगी। अमेरिका ने दुनिया की तमाम परमाणु ताकतों का शिखर सम्मेलन बुलाया है। मुद्दा है आतंकवादियों के हाथों में परमाणु हथियार ना पड़े। यहां सबसे जरूरी किसका होना है? पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री का। लेकिन लाहौर ब्लास्ट की आड़ लेकर नवाज शरीफ अमेरिका का सामना करने से बच गए। आखिरी मौके पर उन्होंने अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। वो अमेरिका जाते भी तो किस मुंह से क्या कहते दुनिया से? जिस आतंकवाद रूपी नाग को भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पाला अब वो खुद उसी को डस रहा है। उनके सामने वो गुट हैं जो पाकिस्तान की फौज से फौज छोड़कर जिहाद अपनाने की अपील कर रहे हैं और पाकिस्तान की फौज के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। खुद सुनिए इस रिपोर्ट में। जमात उल अहरार अगस्त 2014 में एक शैतान से ही जो जन्मा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुल्ला उमर से मतभेद हुए और उमर खालिद खुरासानी ने अपना अलग गुट बना लिया। उद्देश्य सिर्फ दो, पहला पाकिस्तान में इस्लामिक कानून यानी शरिया लागू करवाना, दूसरा ISIS का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए फौजियों को अपनी ओर खींचना। इसी का सबूत है एक वीडियो जो खास तौर पर उस इंसान के साथ बनाया गया जिसका दावा था कि उसने पाकिस्तानी फौज छोड़कर जमात उल अहरार का हाथ थामा। आज मैं आपका तारुफ अपने एक नए मुजाहिद साथी से करवाने जा रहा हूं। इनका नाम डॉक्टर तारिक अली है और जिहादी हलकों में ये अबू उबैदा अल इस्लामाबादी के नाम से मशहूर है। डॉक्टर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से रह चुका है। जब मुझे तीसरी दफा भेजा जाने लगा तो मैंने 2AC साहब को इनकार कर दिया और उसके थोड़े दिनों बाद फौज छोड़कर लंदन चला गया। एक साबिक फौजी की हैसियत से मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ये फौज छोड़कर रोजी का कोई और जरिया अपना लें। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो कम अज कम मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई पर जाने से इनकार कर दें। यही वो गुट है जिसने पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक पाकिस्तान में 5 हमलों को अंजाम दिया है लेकिन अब तक उस पर सरकार या मिलिट्री ने हाथ नहीं डाला है। लाख टके का सवाल यह है कि लाहौर अटैक के बाद आखिर क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपना बेहद अहम अमेरिका दौरा रद्द कर दिया? आखिर क्यों
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगुवाई में हो रहे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में नवाज शरीफ हिस्सा नहीं लेंगे, जहां पाकिस्तान की मौजूदगी बेहद जरूरी थी। मैं प्रणय उपाध्याय अमेरिका में हूं, जहां चर्चाएं गर्म हैं कि आतंकवाद को लेकर सवालों का सामना करने से बेहतर नवाज शरीफ ने अपना चेहरा बचाना समझा। क्योंकि अमेरिका में परमाणु शिखर सम्मेलन का एजेंडा है परमाणु हथियारों को आतंकवादियों के हाथों में पड़ने से रोकना। जी हाँ, इस सम्मेलन में भाग ले रहे 55 देशों में वो 9 देश भी शामिल हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। उनमें भारत ही नहीं पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान के बारे में ही सबसे बड़ा खतरा जताया जाता है कि वहाँ से परमाणु हथियार कट्टरपंथियों या आतंकवादियों के हाथ में पड़ सकते हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान है जिसका सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक KQ खान परमाणु हथियारों के डिजाइन की तस्करी के संगीन इल्जाम झेल चुका है। ये वही पाकिस्तान है जिसके फाटा इलाके में तालिबान की हुकूमत चलती है। ये वही पाकिस्तान है जिसके परमाणु हथियारों के आतंकवादियों के हाथों में पड़ने की सूरत में अमेरिका सालों से एक खुफिया नीति पर काम कर रहा है। अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकार सैमोर हर्ष ने दावा किया था कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की तैयारी है कि वो पाकिस्तान में घुसकर उसके परमाणु हथियार और परमाणु पदार्थ वहां से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका को भनक लग चुकी है कि पाकिस्तान में कई जेहादी गुट, वहां की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। शरीफ के यही भस्मासुर ओबामा को सुकून से सोने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी जो तंजीमें हैं पाकिस्तान में जिनको पहले पाकिस्तान की ISI फंड कर रही थी, और जब वो उनकी सरकार उनकी ISI के नियंत्रण के बाहर चले गए तो अब वो पेटर्न्स ढूंढ रहे हैं ISIS के अंदर। तो पाकिस्तान क्या खुद अपनी तबाही की कहानी लिख रहा है? क्या नवाज शरीफ का जोर अपनी फौज ISI और पार्टी पर नहीं चल रहा? क्या नवाज शरीफ केवल रबर की मुहर बन के रह गए हैं? अगर ऐसा है तो अमेरिका में हो रहे परमाणु शिखर सम्मेलन को पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अपनाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आतंकियों को पनाह देने वाली ISI का ही जोर चल रहा है तो ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नए खतरे की ओर धकेल सकता है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ प्रणय उपाध्याय, वॉशिंगटन, अमेरिका, IBN 7।